IFRS 15 में एक पार्ट है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का, रेवेन्यू रिकग्निशन. प्रीवियसली कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट पर एक सेपरेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था IAS 11, और रेवेन्यू के ऊपर एक सेपरेट स्टैंडर्ड था 18. नाउ ये दोनों मर्ज होकर IFRS 15 बन चुके हैं, और IFRS 15 में जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के ट्रीटमेंट है, तो उसमें अगर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी अपने क्लाइंट के बिहाफ पर एक प्रोजेक्ट बना रही है, तो उसके अंदर उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी, रेवेन्यू कब रिकग्नाइज होगा, कॉस्ट कब रिकग्नाइज होगी, प्रॉफिट कितना रिकग्नाइज होगा, तो उसके लिए जो है वो कुछ स्टेप्स हैं हमारे पास. पहले स्टेप में हम स्टेज वन में प्रॉफिट या लॉस डिटरमिन करेंगे कॉन्ट्रैक्ट. स्टेज नंबर टू के ऊपर हम उसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन आइडेंटिफाई करेंगे कि काम कितना कंप्लीट हो चुका है, और ऑन द बेसिस ऑफ अबव टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना अमाउंट शो होना चाहिए और बैलेंस शीट में कितना अमाउंट शो होना चाहिए. जब कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, पहले वो क्लियर कर लें ताकि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के सवाल में जो टर्मिनोलॉजीज आती हैं वो क्लियर है. एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू या कॉन्ट्रैक्ट प्राइस. दिस इज द प्राइस दैट इज एग्रीड बिटवीन टू पार्टीज, बिटवीन द कंस्ट्रक्शन कंपनी एंड द क्लाइंट. और ये प्राइस फिक्स भी हो सकती है, और ये प्राइस जो है वो वेरिएबल भी हो सकती है. उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने में जो कॉस्ट लगेगी. अब ये कॉस्ट दो तरह से दी हुई होती है, कॉस्ट इनकर्ड टू डेट, इतनी कॉस्ट लग चुकी है आपको ईयर एंड के ऊपर इंफॉर्मेशन दी होगी, इतना काम हो चुका है, कॉस्ट इतनी लग चुकी है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, और एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट, और इतना काम होगा, इतनी कॉस्ट लगेगी. तो इसे हम टोटल कॉस्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं. अच्छा, उसके अलावा प्रोग्रेस बिलिंग, कंस्ट्रक्शन कंपनी अपने क्लाइंट को जो बिल बना के देती है ऑन द बेसिस ऑफ द वर्क हैज बीन डन, द वर्क हैज बीन परफॉर्म, उसको हम कहते हैं प्रोग्रेस बिलिंग. और कैश रिसीव्ड, प्रोग्रेस मनी रिसीव्ड, जो प्रोग्रेस बिलिंग के अगेंस्ट पेमेंट कर देता है क्लाइंट, उससे जो हमें अमाउंट आ जाता है उसको हम कहते हैं कैश रिसीव. अब किसी भी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में जब हमारे पास कोई भी एग्जांपल दी जाएगी, तो हम सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस डिटरमाइन करेंगे. तो प्रॉफिट एंड लॉस डिटरमाइन करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होंगी, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू हमारे पास होना चाहिए, और हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट की टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट होनी चाहिए. ये एस्टिमेटेड कॉस्ट जो हम एयर एंड के ऊपर आइडेंटिफाई करेंगे, एज ए रिजल्ट कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉफिट भी आ सकता है और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लॉस भी आ सकता. फॉर एग्जाम्पल, अगर 1000 मिलियन का रेवेन्यू हमने प्लान किया और एस्टिमेटेड कॉस्ट 800 मिलियन की है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ओवरऑल उसमें 200 मिलियन का प्रॉफिट आएगा. अगर प्रॉफिट आएगा फॉर एग्जाम्पल, तो वो प्रॉफिट कितना बुक किया जाएगा, एज पर दी स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ द ट्रांजेक्शन एट द रिपोर्टिंग डेट. यानी कि रिपोर्टिंग डेट के ऊपर अगर पहले साल के एंड पर हमारा 50% काम कंप्लीट हो चुका है, तो हम कॉन्ट्रैक्ट का जो टोटल प्रॉफिट है उसका 50% बुक कर सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. सिमिलरली अगर लॉस आ जाता है, तो लॉस को एज पर स्टेज ऑफ कंप्लीशन बुक नहीं किया जाएगा, बल्कि लॉस को रिकग्नाइज कर लेंगे इमीडिएटली इन फुल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इस स्टेप के बाद, वैसे तो यूजुअली स्टेज ऑफ कंप्लीशन पहले होती है, लेकिन आप एग्जाम में वाइस वर्सा भी कर सकते हैं. तो इसमें स्टेज ऑफ कंप्लीशन यानी कि काम कितना कंप्लीट हुआ, स्टेज ऑफ कंप्लीशन आइडेंटिफाई करने के लिए दो तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं. एक होता है वर्क सर्टिफाइड मेथड, सो स्टेज ऑफ कंप्लीशन आइडेंटिफाई करने के लिए
हमारे पास एक होता है वर्क सर्टिफाइड मेथड। अगर वर्क सर्टिफाइड मेथड में पॉसिबिलिटी है तो हम यही यूज करेंगे, और दूसरा होता है कॉस्ट मेथड, जिसमें कॉस्ट के थ्रू एक एंटिसिपेट करते हैं कि काम कितना कंप्लीट हुआ। जो आपके पास वर्क सर्टिफाइड मेथड है उसमें स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे वर्क सर्टिफाइड टू डेट, रिपोर्टिंग डेट के ऊपर काम कितना कंप्लीट हुआ, डिवाइडेड बाय टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और रेवेन्यू। इससे हमें पता लग जाएगा कि काम कितना कंप्लीट हुआ है। अगर वर्क सर्टिफाइड प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है, रिलायबली मेजर नहीं हो रहा, तो फिर हम कॉस्ट मेथड से आंसर निकाल सकते हैं। और अगर कॉस्ट मेथड से आंसर निकाला जाएगा तो फॉर्मूला होगा कॉस्ट इंटर टू डेट डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट। दो मेथड है जिसके जरिए हम वर्क सर्टिफाइड कैलकुलेट कर सकते हैं। अब स्टेप नंबर वन और टू करने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्सट्रैक्ट बनाएंगे तो उसके अंदर हम कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू शो करेंगे एज पर स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ द ट्रांजेक्शन, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट शो करेंगे एज पर स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ द ट्रांजेक्शन, और रेवेन्यू में से जब हम प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी। अगर लॉस हुआ तो रिमाइंड करवा देता हूँ दोबारा, 100% लॉस रिकग्नाइज होगा। जब बैलेंस शीट में जाएंगे तो बैलेंस शीट में हमें देखना है कि हमारे लिए एसेट होगा या लायबिलिटी बनेगी, तो हम सबसे पहले लेंगे कॉस्ट इनकर्ड टू डेट, जो भी हमने अब तक कॉस्ट लगा रखी है उसमें अब तक ईयर एंड के ऊपर जो हमारा प्रॉफिट रिकग्नाइज हुआ हुआ होगा, प्रॉफिट रिकग्नाइज टू डेट वो उसमें प्लस कर देंगे। ये वो अमाउंट है जिसको हम कहते हैं कॉस्ट प्लस, कितना हमारा राइट बन चुका है। फिर इसमें से माइनस कर देंगे जो भी प्रोग्रेस बिलिंग या पेमेंट रिसीव हो चुकी है वो उसको चार्ज की जा चुकी, माइनस कर देंगे। अगर सरप्लस आया तो ड्यू फ्रॉम कस्टमर होगा, और अगर डेफिसिट आया तो ड्यू टू कस्टमर होगा। ड्यू फ्रॉम कस्टमर को हम एसेट रिकॉर्ड करेंगे, करंट एसेट रिसीवेबल में चला जाएगा, और अगर ड्यू टू कस्टमर आया तो ड्यू टू कस्टमर को हम बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी के अंदर रिकॉर्ड। जो भी मैंने कैलकुलेशन बताई ये फर्स्ट ईयर की कैलकुलेशन है, अगर सेकंड ईयर की कैलकुलेशन होगी तो हम इसको अकॉर्डिंगली अप्लाई यही चारों स्टेप्स करेंगे, लेकिन अभी कैलकुलेशन में हमारे पास थोड़ी सी वैरायटी चेंज हो जाएगी, डिफरेंस आ जाएगा। लेट्स सी एन एग्जाम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट बी। बिल्डिंग आइडियाज लिमिटेड हैज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग एंड एट December 31st, 2018, ये हमारा ईयर एंड है, द बिल्डिंग वॉज स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन। कॉन्ट्रैक्ट जो स्टार्ट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग डेट हम देख लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ है January 1st, 2018 में, कॉन्ट्रैक्ट एंड होगा September 23rd, 2019 में, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट तकरीबन 1 साल और 9 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू है 4,44,000, कॉस्ट इनकर्ड दिसंबर तक 2 लाख लग चुकी है, एस्टिमेटेड कॉस्ट 1,38,000 और लगेगी, कैश रिसीव अब तक इतना हो चुका है विच इज़ प्रोग्रेस बिलिंग रिसीव्ड, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड एंड इनवाइस 31st December 2,53,080, ये वर्क सर्टिफाइड हमारे पास आ चुका है। फ्रॉम द फॉलोइंग टास्क इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव कॉन्ट्रैक्ट यूजिंग आउटपुट मेथड फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2018, सो आउटपुट मेथड इज वर्क सर्टिफाइड मेथड, सो उसकी बेसिस के ऊपर हमें परसेंटेज निकालनी पड़ेगी।
और कंप्यूट शोइंग द ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट स्टेप नंबर वन, पीएनएल एक्सट्रैक्ट एंड बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट December 31, 2018। अब हम इसको वन बाय वन, स्टेप नंबर वन में सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो रेवेन्यू है कॉन्ट्रैक्ट का, वो रेवेन्यू स्पेसिफाइड था 4,44,000। टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट हमारे पास 3,38,000। अच्छा, ये हमारी टोटल कॉस्ट होगी, इसका मतलब है ये प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है। हमारे पास टोटल प्रॉफिट आ गया 1,06,000। ये हमारा टोटल इस कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट है। कॉन्ट्रैक्ट एक साल से ज्यादा टाइम पर स्पेंड कर रहा है, तो इसका एक पोर्शन रेवेन्यू में रिकग्नाइज होगा और एक पोर्शन जो होगा उसका वो प्रॉफिट की फॉर्म में रिकग्नाइज होगा। तो फिर हम स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकालते हैं आउटपुट मेथड से। तो स्टेज ऑफ कंप्लीशन आउटपुट मेथड से निकालने के लिए हमें वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड टू डेट चाहिए। वो सवाल में गिवन है वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड टू डेट 2,53,000। और कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू चाहिए, कितने कॉन्ट्रैक्ट में कितना सर्टिफाई हो चुका है कि काम कंप्लीट हो चुका है। इसकी बेसिस पर हमारी परसेंटेज बनती है 57% कॉन्ट्रैक्ट 31 दिसंबर के ऊपर कंप्लीट हो चुका। अब इसकी बेसिस के ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रेवेन्यू और प्रॉफिट का कितना परसेंटेज जाना चाहिए। तो जो रेवेन्यू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बुक होगा वो 4,44,000 का 57 होगा, जो कि एग्जैक्टली बनेगा वर्क सर्टिफाइड टू डेट कि इतना काम हो चुका है। तो इतना हमारा रेवेन्यू का इंटाइटलमेंट बन रहा है। ठीक, अच्छा, प्रॉफिट जो है हमारा वो हमने बुक किया था वह 1,06,000। तो प्रॉफिट हमारा है 1,06,000, उस प्रॉफिट का भी हम 57% बुक करेंगे और ये 57% हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट का 60,420। रेवेन्यू में से प्रॉफिट माइनस कर दें, हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी और वो कॉस्ट जो हमने टोटल कॉस्ट है 338 का 57% होगा। बैलेंसिंग फिगर भी निकाल सकते हैं, आइडियली बैलेंसिंग फिगर निकालनी चाहिए 192,660। सो अगर वर्क सर्टिफाइड मेथड हो तो आप कॉस्ट को एज अ बैलेंसिंग फिगर निकालें हमेशा। पहले रेवेन्यू आइडेंटिफाई करें, फिर प्रॉफिट आइडेंटिफाई करें। अब बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट में अगर हम जाते हैं, तो बैलेंस शीट के अंदर हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारा रिसीवेबल होगा या हमारा पेएबल होगा। सो कॉस्ट इनकर्ड टू डेट ये हमें आइडेंटिफाई करनी है। कॉस्ट इनकर्ड टू डेट अब तक हमारी लग चुकी है 2,00,000। अच्छा, प्रॉफिट रिकग्नाइज टू डेट, प्रॉफिट हम रिकग्नाइज कर चुके हैं अब तक, ये पहला ही साल है तो जो प्रॉफिट हमने अब तक रिकग्नाइज किया है वो है 60,420। तो हमारा टोटल हो गया 2,60,420 और कैश जो हमें रिसीव हुआ है वो कैश रिसीव हम यहां से माइनस कर देंगे। तो कैश हमारे पास जो रिसीव हुआ है, जो कलेक्ट हुआ है, वो हमें देखना पड़ेगा कितना है। कैश रिसीव हमारे पास 2,05,000 का हुआ है, 2,05,000 का कैश रिसीव हुआ है। बैलेंसिंग फिगर हमारे पास आएगी वो बनती है 55,420।
ये हमारे पास बनती है रिसीवेबल। इसको एक और तरीके से भी प्रेजेंट किया जा सकता है, और उसमें ये होगा कि हम ये देखेंगे कि हमारी कॉस्ट इनकर टू डेट कितनी हो चुकी है, कॉस्ट इनकर टू डेट हमारी हो चुकी है 2 लाख, और कॉस्ट हमने जो चार्ज की है पीएनएल के अंदर वो चार्ज की है 192,660, 192,660। तो जो डिफरेंस आएगा इसको आप क्लोजिंग स्टॉक दिखाएं, WIP दिखाएं, इसको आप इन्वेंट्री की वैल्यू दिखाएं 7,340, इसको आप इन्वेंट्री में डाल दें, और जो वर्क सर्टिफाइड है ये वो अमाउंट है जो आप काम कर चुके हैं 253,000, लेकिन आपको जो कैश कलेक्ट हुआ है वो कलेक्ट हुआ है 205,000 का, तो आपका जो रिसीवेबल एलिमेंट है जो कि आपको और कलेक्ट होना चाहिए, वो रिसीवेबल एलिमेंट 253,000 205,000 वो आ गया आपके पास 48,000। ये भी करंट एसेट का पार्ट है, ये भी करंट एसेट का पार्ट है, अगर हम इसको सम कर लें मिला दें तो 48,000 + 7,340 0,435,55,55,340, तो ये 55,340 So, let me calculate again, कुछ variation है calculation में, 253,000 - 25,000, 48,000, 200,000 - 192,660 7,340 + 48,000 + 7,340, दिस इज 55,340। सो यहाँ पर हमें ये चेक करना पड़ेगा 260,420 - 205,000 55,420। यहाँ जो वैल्यू हमने वर्क सर्टिफाइड की ली है वो वैल्यू थोड़ी सी चेंज है, यहाँ पर 80 आ रहा है तो ये 48,080 है, तो ये 48,080 है और ये 55,420, बिट कैलकुलेशन मिस्टेक, इसको आप देख लें। सो दिस इज व्हाट